नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरह से गूगल में से हमें इमेज ढूंढनी है। सबको इमेज डाउनलोड करना तो आता है, लेकिन अच्छी इमेजेस किस तरह से ढूंढी जाती है उसके कुछ हम यहाँ पे आपको हैक्स सिखाने वाले हैं, कुछ स्मार्ट टिप्स देने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे कि आपने जो भी इमेज पसंद की है, जो भी इमेज डाउनलोड की है, उसके अंदर कुछ अनवांटेड चीज होती है जो आपको हटानी है, तो किस तरह से आप हटा सकते हैं। देन आफ्टर हमने जो भी इमेजेस डाउनलोड की है उसके अंदर हमें कुछ भी डिटेल्स हमारी ऐड करनी है। ये कब काम आएगा कि जब आपको कोई ग्रीटिंग्स मैसेज भेजना है, जब आपको कोई फेस्टिवल पोस्ट बनानी है, तब आपको ये चीज बहुत काम आ सकती है। काफी बार आपको कोई इमेज पसंद आती है लेकिन वो इमेज फॉर्मेट में नहीं होती है, उसको जब सेव करते हैं तो डॉट वेब पेज का जो है फाइल होता है, तो उसमें से इमेज किस तरह से निकालते हैं, ये चार चीज हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गूगल में से इमेजेस किस तरह से डाउनलोड करनी है। तो मान लीजिए अभी हम एक प्रोजेक्ट सैंपल करने जा रहे हैं जिसके अंदर मुझे कुरियर मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर का प्रमोशन करना है, तो मुझे क्या चाहिए, कुरियर लिखूंगा यहाँ पे। सपोज के मैं यहाँ पे कुरियर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऐसा मैंने लिख के एंटर मारा, तो मुझे कैसे इमेजेस मिलेगी। गूगल ओपन करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे जो भी हमारा सर्च टेक्स्ट है वो लिखा और हमारे यहाँ पे सारे इमेजेस आ गए। तो इस तरीके से आपके इमेजेस आए, लेकिन मुझे इसमें से कोई रिलेवेंट इमेज नहीं दिख रही। मैं क्या कर सकता हूँ, स्मार्ट सर्च का ये ऑप्शन है कि आप टुकड़ों में ढूंढिए, कोई भी चीज एज इट इज डायरेक्टली मत ढूंढिए। तो सबसे पहले कुरियर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो आप ओनली कुरियर लिखिए। कुरियर लिखने के बाद आपको तरह तरह की यहाँ पे सारी चीज दिखेगी, तो इसमें से जो भी चीज आपको डाउनलोड करनी है बराबर, वो आप डाउनलोड करिए। अभी सैंपल के तौर पे मैं आपको सिखाना चाहूंगा, तो मान लीजिए कि आपका ये एक इमेज है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, लेकिन आप देख पा रहे कि यहाँ पे नीचे वेक्टर स्टॉक ऐसा करके कुछ लिखा है, वो आपको हटाना है। तो कैसे हटेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करिए, यहाँ पर ओपन इमेज इन न्यू टैब करिए, तो यहाँ पे न्यू टैब में आपका इमेज आ गया। ये इमेज के अंदर ये पार्ट है राइट, इसको मैं टेस्टिंग के लिए राइट क्लिक करके सेव इमेज करता हूँ। सेव इमेज करता हूँ, देखिए यहाँ पे AVIF ऐसा कुछ करके फाइल है बराबर। आइडियली इमेज का फाइल होता है JPEG या PNG फाइल होता है, तो आप क्या कर दीजिए इसमें ऑल फाइल करिए। यहाँ पे मान लीजिए कुरियर वन फर्स्ट इमेज है हमारी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे .JPEG ऐसा कुछ PNG ऐसा लिख के सेव करता हूँ। तो ये जो इमेज है ये मेरी जो भी फोल्डर होगा उस फोल्डर के अंदर स्टोर हुई होगी। हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैंने एक मार्केटिंग मटेरियल का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर अभी मैं कुछ फ्लायर्स बना रहा हूँ, तो ये फ्लायर्स और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट इमेज है ये हमने ओपन की, तो ये हमारी इमेज ओपन हो गई। लेकिन ये इमेज के अंदर से मुझे ये नीचे का जो टेक्स्ट है हटाना है, यहाँ ऊपर जो बैकग्राउंड व्हाइट है उसमें मुझे कुछ लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे वो हम सीखेंगे। अभी मान लीजिए कि क्रिसमस आ रहा है या 31st आ रहा है, तो 31st के रिगार्डिंग आपको कुछ बेस्ट विशेस का मैसेज लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल 31st December 2023, ऐसा मैंने कुछ भी लिखा। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके का ये इमेज आया, इस इमेज के अंदर आपको गुड बाई 2023 लिखना है, वेलकम जो है ऐसा लिखना है, कोई भी एक इमेजेस है हम यहाँ पे पसंद करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे कि ये इमेज है, इसके अंदर आपको कुछ लिखना है, मान लो कि कोई भी एक पार्टी आपकी ऑर्गेनाइज हो रही है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो हम आपको सिखाएंगे इसमें राइट क्लिक करके ओपन इमेज करिए, ये इमेज आपका आ गया है। देखिए अभी ये इमेज का साइज कंपेरेटिव थोड़ा छोटा है, तो हमें इग्नोर करना है इस इमेज को, मिनिमम 500-600 पिक्सल का इमेज है वो हमें प्रेफर करना है। तो आप यहाँ पर जब इमेज के ऊपर आप रखेंगे कर्सर, ओके राइट क्लिक करके आप ओपन इमेज करेंगे, तो आपको है ना यहाँ पे वो इमेज की साइज देख के ही पता चल जाएगा। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो इमेज मेरी ये स्ट्रेच होके फट जाएगी, तो ऐसी इमेजेस हमें नहीं डाउनलोड करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक दूसरा इमेज लेने की कोशिश करता हूँ, ये वाला 31st December, ओके इसको देखिए आप यहाँ पे है ना इमेज के ऊपर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे बॉटम में आपको कोने में उसका साइज दिखता है 612 × 340, ये पिक्सल्स में है करेक्ट। जैसे कि ये एक इमेज है मेरा, लेकिन ये इमेज में देखिए पीछे एडोब स्टॉक ऐसा बैकग्राउंड में वाटरमार्क है, तो ऐसी इमेज भी हमें चूज नहीं करनी है। मान लीजिए कि ये एक इमेज है, तो
तो इसके अंदर भी ये सारी वाटर मार्क्स है। कोई प्लेन इमेज हम ढूंढने की ट्राई करते हैं, जैसे कि इसमें भी ये सारी चीजें हैं। ये जो इमेज है इसमें भी ये सेम चीज है। हम आपको ये सिखाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्लेन इमेजेस लेनी है अगर आपको प्रॉपर वे में अपना मार्केटिंग कंटेंट करना है। तो यहाँ पे मुझे कोई इमेज मिल नहीं रही सही से। यहाँ पे भी देखिए, ये एक इमेज हम सीखने के लिए लेते हैं। मान लीजिए कि आपको इमेज पसंद है, लेकिन इसमें जो ए लिखा है ना वो आपको हटाना है, इसमें जो एल एम ई करके लिखा है वो आपको हटाना है। तो इसको किस तरह से हटाएंगे, बराबर? तो ये हमारे ट्रेनिंग का पार्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, ओपन न्यू इमेज करते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर सेव करता हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है आज का, ओके, इसके अंदर हमारे जो चीज हम हमारे हमारी जो सीखने का प्लान है, ओके, वो हमारा इसमें कवर अप हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो इमेजेस ले ली है। अभी सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि ये इमेज है C1 करके इमेज, ओके, तो उसको आपको क्या करना है, पेंट में ओपन करना है। क्या करना है? पेंट में। तो वो कैसे करेंगे? स्टार्ट मेनू में जाएंगे, आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए पेंट, तो आपका पेंट का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे फाइल मेनू में जाएंगे और ओपन करके वो इमेज को आप ब्राउज करके ढूंढ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसको ओपन कर सकते हैं, राइट? या फिर आप सिंपल, जैसे कि मैंने पेंट खोल दिया है, ये पेंट ओपन करके यहाँ पे इमेज को ड्रैग करूंगा और यहाँ पे जो पेंट का आइकॉन है वहां पर जाके ऊपर छोड़ दूंगा, तो भी ये मेरा इमेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों अभी इसके अंदर आपको देखिए, ये नीचे का जो पार्ट है मुझे हटाना है, बराबर? इसमें दो चीज में क्रिएटिविटी कर सकता हूं। एक तो मैं पूरा नीचे हटा दूं, दूसरा चीज मैं क्या करूं, नीचे का जो बार है ब्लैक कलर का उसको मैं रखूं और उसके अंदर के कंटेंट में चेंज कर दूं, राइट? दो तरह की क्रिएटिविटी में इसमें कर सकता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो ओरिजिनल इमेज है ना उसको आपको रख देना है, उसको राइट क्लिक करके कंट्रोल सी करना है, या फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी कर दीजिए, डायरेक्टली आप उसको कॉपी करिए और वहीं पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि आपकी ओरिजिनल इमेज है वो बची रहे एज इट इज, बराबर? जैसे कि इसके अंदर है ना मेरा C1 है, तो उसमें मेरा क्रिएटिविटी 1 है मान लीजिए, ओके, और इसका ही मैं दूसरा क्रिएटिविटी करूंगा तो क्रिएटिविटी 2। तो हम इस इमेज के अंदर दो चीज करने वाले हैं, क्रिएटिविटी 1 और क्रिएटिविटी 2। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इमेज है उसको ओपन करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, पेंट ओपन करेंगे, पेंट ओपन करने के बाद ये इमेज को ड्रैग करिए और आप यहाँ पर सिंपली पेंट में रख दीजिए। अभी पेंट के भी काफी अच्छे शॉर्टकट्स हैं। अभी मान लीजिए ये तो बड़ा दिख रहा है आपको, बराबर? तो आपको इमेज छोटा करने के लिए यहाँ पे बॉटम राइट साइड में जूम का ऑप्शन है, तो इसको जूम को आप बड़ा या छोटा नीचे से कर सकते हैं, राइट? अभी इसको इमेज को एडिट करने के लिए मेरा सबसे पहला मकसद क्या है कि ये जो है ना एग्जैक्ट आपको जैसा चाहिए उस तरीके का आप बढ़िया से बढ़िया तरीके का इमेज एडिटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं, राइट? व्हाइट कलर ले लिया है और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट ऑप्शन है, होम में जाके यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर जानकारी के लिए जस्ट डाल रहा हूँ। लेफ्ट राइट वगैरह जो भी कुछ करना है, यहाँ पे देखिए चार तीर है, 4 एरो है तो वो मूवमेंट का निशानी है, और 2 एरो है वो रिसाइज का निशानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे हो गया आपका नाम। यहाँ पे आपको कुछ दूसरा लिखना है कि माई कंपनी, ओके, यहाँ पे आप जाइए, वापस क्लिक करिए, ओके, www.mycompany.com ऐसा करके आपने कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर आप लिखिए। उसको भी अगेन सेम तरीके से करिए, थोड़ा आपको राइट में हटाना है तो थोड़ा रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है? तो एकदम बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे दो चीज बना दी। इसको सेव करिए। अभी आपको ऊपर यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप ऊपर लिखिए, वो तो आपको आ ही गया है। अभी आप सिंपल इसको सेव करिए। तो एक इमेज के अंदर से हमने क्या किया, क्रिएटिविटी की, ये हमारा ओरिजिनल इमेज था, उसके अंदर से एक चीज मैंने ये बनाई और दूसरी चीज मैंने ये बनाई। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी फोटो है उसको डाउनलोड करिए, उसके अंदर से अनवांटेड चीज हटाइए और अपना कंटेंट डाल सकते हैं। एक इमेज जो है, बराबर, जैसे हमारे ट्रेनिंग के सेशन में एक तो इमेज डाउनलोड कैसे अच्छे से करनी है वो हमने देख लिया, रिमूव अनवांटेड
थिंग्स किस तरह से करनी वो देख ली, एड टेक्स्ट इन इमेज ये किस तरह से करना है वो हमने देख लिया, और लास्ट चीज देखते हैं सेव इमेजेस फ्रॉम वेब फाइल। तो इसमें बहुत इजी है एक्चुअली कि आप यहाँ पर जाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर सिंपल कुरियर लिखा, ओके अभी आपको कोई एक फाइल पसंद आई, जैसे कि मान लीजिए ये फाइल आपको पसंद आई, उसको आप ओपन करेंगे राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओके यहाँ पे आपको है ना फाइल का एक्सटेंशन दिखता है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना फाइल का एक्सटेंशन है, ये PNG फाइल है यानी कि इमेज फाइल ही है। हम क्या करते हैं कोई एक ऐसी इमेज लेने की कोशिश करते हैं कि जिसका जो एक्सटेंशन है ना वो अपना वेब ऐप हो। तो मैं जस्ट इमेज ढूंढने की ट्राई करता हूँ, जैसे कि ये इमेज है राइट, ये इमेज को मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इमेज करता हूँ। तो देखिए ये भी JPG है एक्चुअली, यहाँ पे वेब ऐप आता है, मेरे पास एक फाइल है जस्ट मैंने रिसाइकल बिन कर दी है, आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक फाइल मैंने डाउनलोड की थी, ये फाइल, तो ये वेब ऐप फाइल है राइट। तो ये सी वेब ऐप फाइल में से आपको अगर इमेज डाउनलोड करनी है तो क्या करना है, सिंपल उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करिए, कॉपी इमेज दबाइए, पेंट ओपन करिए। पेंट ओपन करने के बाद आपका ये बड़ा जो साइज है ना बराबर, उसको आप सबसे पहले आप छोटा कर दीजिए बराबर, कंट्रोल के साथ ई दबाइए, सबसे छोटा जो भी होगा आप डाल दीजिए बराबर, फिर उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए तो आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा राइट। तो कोई भी फाइल है आपके पास, PDF हो चाहे कोई भी हो, उसमें से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज दबाइए, पेंट ओपन करिए, पेंट ओपन करने के बाद कंट्रोल ई दबाइए, ओके, और उसमें इमेज का छोटा साइज करके पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी करके, और फिर आप उसको इमेज को जिस तरह से JPEG PNG नाम से सेव करना है तो आप उसको सेव कर दीजिए। तो दोस्तों आज के इस हमारे वीडियो में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट की कुछ बेहतरीन टिप्स बताई है, साथ में ही आपको कुछ क्रिएटिविटी सिखाई है, अच्छी इमेजेस डाउनलोड करनी है, हाई रिजोल्यूशन इमेजेस डाउनलोड करनी है, बैकग्राउंड में वाटरमार्क नहीं हो उस तरीके की इमेजेस डाउनलोड करनी है, इमेजेस में से अनवांटेड चीज आपको हटानी है राइट। और फाइनली आपको एक कभी कभी ऐसा आता है कि वो इमेज फाइल नहीं होती है, PDF होती है, दूसरी कोई भी फाइल होती है, उसमें से आपको इमेज एक्सट्रैक्ट करनी है, तो सिंपल वो फाइल को ओपन करिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर दीजिए, पेंट में ओपन करके पेस्ट कर दीजिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो हमने डाउनलोड किया था यहाँ पे, जैसे ये एक मेरा क्रिसमस का हम 31st का ढूंढ रहे थे, इसके अंदर से मुझे बीच में से ये सारी चीज हटानी है राइट। तो इसको मैं कैसे हटाऊंगा, तो अगेन मैं पेंट ओपन करके इसके अंदर ये इमेज ओपन करता हूँ। आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले ओरिजिनल इमेज को कॉपी करके पेस्ट कर लो, ताकि आपका इमेज एडिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास ओरिजिनल इमेज तो रहे राइट। और यहाँ पे आप अपना वर्जन मेंटेन करो, क्या वर्जन 1 वर्जन 2 बराबर, क्योंकि डिजाइनिंग के अंदर काफी बार आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, तो आपका जो भी ओरिजिनल काम है वो रहना चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने ये इमेज ओपन कर दी है करेक्ट। अभी मुझे क्या सिखाना है इस ट्रेनिंग के अंदर, कि ये जो बैकग्राउंड में है ना वो हटाना है। तो बहुत अच्छे से आप देखिए, यहाँ पर एक तो सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट यहाँ पर टिक करूंगा, इसको यहाँ पर टिक सिलेक्ट करके डिलीट मार दिया, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके डिलीट मार दिया, कीबोर्ड में से मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ, ये डिलीट हो गया मेरा राइट। अब यहाँ से मैंने डिलीट किया, ये तो मेरा सिंपल डिलीट हो गया है बराबर, ये मेरा सिंपल डिलीट हो गया। अब इसमें मुझे कलर फिल करना है, तो कलर के लिए आपको ऑलवेज याद रखना है, कलर पिकर में जाओ, इसमें ऐसा कलर चाहिए ना तो यहाँ पर टिक कर दो, फिर यहाँ पे फिल में जाओ और यहाँ पे टिक कर दो, पता ही नहीं चलेगा आपको कि यहाँ पे कुछ था। अगेन यहाँ पे कलर पिकर में जाओ, मुझे ऐसा ग्रीन चाहिए, फिल में जाओ, यहाँ पर आप क्या करो ये कर दो राइट। फिर यहाँ पे जो लाइट स्काई ब्लू टाइप का कलर है वो पिकर में जाओ, एग्जैक्ट वही कलर पकड़ने के लिए आपने वहां पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे सिलेक्ट करते गए राइट। तो एक तो मैंने आपको सिंपल रास्ता बता दिया इस तरीके से है बराबर। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कलर हो गया ना, अभी इसके अंदर यहाँ पे आपकी पेन पेंसिल ये सारे जो भी कंट्रोल है हमारे वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि पेंट के अंदर हमारे ड्राइंग के लिए यहाँ पे पेंसिल है, तो पेंसिल के ऊपर आप टिक करिए, यहाँ पे उसकी साइज है उसको बढ़ाइए बराबर, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उसके ऊपर हम ऐसे ऐसे करके आप हटा भी सकते हैं, जैसे कोई छोटी छोटी चीज है उसको हटानी है, जैसे ये है तो स्क्वायर में नहीं सिलेक्ट होगा बराबर,
उसका वैसे पेंसिल से पूरा इस तरह से उसके ऊपर ड्रॉ करिए तो हट जाएगा। आपको आइडिया आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि कोई कोई चीज जो है स्क्वायर से नहीं हो रही है, तो आप यहाँ से पेंसिल से उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। आइडियली हम जैसे ये ए है, ये ग्रीन आधा है ना, उसमें ये ए है, तो उसको तो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, पेंसिल का कलर पहले सिलेक्ट करना है। ये कलर पिकर में जाऊंगा और यहाँ पे ग्रीन टिक कर दूंगा। उसके बाद जो मेरा पेंसिल है वो पेंसिल को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। आइडियली मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कलर का स्केच पेन चला रहा हूँ उसके ऊपर। तो दोस्तों ये जो हाई लेवल के ग्राफिक्स डिजाइनर होते हैं ना, उसके पास प्रीमियम सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें भी यही मेहनत करते हैं वो लोग। तो वो सारी चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में माइक्रोसॉफ्ट पेंट के एडवांस लर्निंग के तौर पे मैं आपको सारा चीज सिखा रहा हूँ। ग्रेट। तो इस तरीके से आप अनवांटेड चीज जो भी है वो आप यहां से हटा सकते हैं। देखिए आपके बाहर कहीं पे क्लिक हो गया ऐसे, तो आप कंट्रोल जेड दबा दीजिए। कंट्रोल जेड यानी कि अंडू, अंडू दबाना है। यहाँ पे ऊपर भी है अंडू और रीडू। अंडू कंट्रोल जेड है और रीडू कंट्रोल वाई है। कंट्रोल जेड आपने गलती से दबा दिया तो कंट्रोल वाई करिए, बराबर। कंट्रोल जेड का रिवर्स है कंट्रोल वाई। ओके, ऐसे बड़े बड़े जो बॉक्स है ना उसको आप सिंपल सिलेक्ट करके उड़ा दो। जो बड़े बड़ी जो चीज है उसको आप सिलेक्ट करके डिलीट मार दो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज रह जाती है उसके ऊपर आप फिर वापस पेंसिल से ड्राइंग कर देना। तो इस तरीके से आपका जो इमेज है वो काफी बढ़िया तरीके से, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आपने उसको अच्छे से प्रो लेवल से आपने उसको क्या कर दिया, एडिट कर दिया। यहाँ पे देखो ये जो चीज है इसके ऊपर आप ड्रॉ करिए इस तरह से। करेक्ट, 2 4 5 मिनट लगेगा आपका परफेक्शन आने के लिए, लेकिन ये सारी ट्रिक्स आपको पता होगी अगर, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई इमेज को एडिट करूं। अगर आपको ये ट्रिक्स ही नहीं पता है तो आप एडिट करने का सोचोगे ही नहीं। तो इसके अंदर मेन चीज है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ में आपका माइंड कि आपको क्या चाहिए वो आपको पहले से दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज मुझे इस तरीके से करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने काफी अच्छा लेवल का आपको इमेज एडिटिंग का ट्रेनिंग दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए। ये वीडियो को कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल देख सकता है, कोई भी हाउसवाइफ देख सकती है, कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, कोई भी लेवल का पर्सन है, ओके, कि जिसको कंप्यूटर में काम करना है, ओके, वो बंदा आराम से इस वीडियो का जितना चाहे उतना बेनिफिट उठा सकता है। तो हमारी एक आपको रिक्वेस्ट रहेगी, एक कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नॉलेज को शेयरिंग करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी इस तरीके के हैक्स आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।